हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट क्रिमिनोलॉजी और इनकम टैक्स के नोट्स नहीं लिए हैं तो आप उनको ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, legalmentor.in। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि सीआरपीसी से रिलेटेड है, सेक्शन 313 सीआरपीसी। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केस नेम क्या है, बेंच क्या बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जो आपका सेक्शन 313 ये क्या बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर क्या बात कही है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर हम इस केस की बात करेंगे तो केस का नाम है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। जो कोरम बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बनाया गया था सीजीआई जस्टिस एनबी रमना और जस्टिस अनिरुद्धा बोस। जो साइटेशन है वो है LL 2021 SC 260। जजमेंट को समझने से पहले हम इस सेक्शन को समझ लेते हैं, ये सेक्शन आखिरकार बात क्या करता है, क्योंकि तभी आपको जजमेंट समझ आएगी। ये सेक्शन बात करता है पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड, अक्यूज को एग्जामिन करने की पावर की बात ये सेक्शन करता है। इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल, अगर वहाँ पे अक्यूज के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तो कोर्ट अक्यूज को परमिशन देता है कि आप इसको एक्सप्लेन करो कि आपके खिलाफ ये कैसे मिले हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो अक्यूज के घर पे कोई गन मिलती है या कोई ऐसा सामान मिलता है जिसको रखने के लिए वो ऑथराइज नहीं होता है, तो कोर्ट उसको पर्सनली पूछेगा कि तेरे घर पे ये सामान कैसे मिला, ये गन कैसे मिली है। तो कोर्ट वहाँ पे मे एट एनी स्टेज, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द अक्यूज, उसको प्रीवियसली वार्निंग दिए बगैर वहाँ पे उससे वो क्वेश्चन पुट कर सकता है जो वहाँ पे नेसेसरी है। बी बात करता है शेल आफ्टर द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड। जहाँ पे मे लिखा होता है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन जहाँ पे शेल वर्ड यूज होता है वहाँ पे कंपलसरी होता है, कोर्ट को वो करना ही होता है। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन करने के बाद, लेकिन अभी तक जो अक्यूज है उसका डिफेंस को एग्जामिन नहीं किया गया है, तब वहाँ पे अक्यूज से वो जनरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका सबसेक्शन टू बात करता है कि यहाँ पे ओथ एडमिनिस्ट्रेट नहीं की जाती है जब अक्यूज को हम सबसेक्शन वन में एग्जामिन करते हैं। इसका सबसेक्शन थ्री बात करता है कि अक्यूज को वहाँ पे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो लाइबल नहीं होगा पनिशमेंट के लिए अगर वहाँ पे वो रिफ्यूज करता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को देने से या फिर कोई फॉल्स आंसर वो देता है, तो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इस सेक्शन का सबसेक्शन फोर बात करता है कि जो आंसर अक्यूज एग्जामिनेशन के दौरान देगा वो सारे के सारे कंसिडरेशन में लिए जाएंगे, वो उसके खिलाफ एज ए एविडेंस यूज होंगे किसी अदर इंक्वायरी अदर ट्रायल में। तो ये सेक्शन यहाँ पे बात करता है। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सेक्शन के बताए हैं, मैंने पूरा सेक्शन कवर नहीं किया है। तो चलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को समझते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के तहत। मेनली क्या होता है कि जब ट्रायल कोर्ट कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं अंडर दिस सेक्शन, तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट को कैजुअल वे में रिकॉर्ड करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के चलते यहाँ पे कंसर्न रेज किया है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते समय ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो कैजुअल वे में इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो एग्जामिनेशन होता है किसी भी अक्यूज्ड का अंडर दिस सेक्शन, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज मेयरली प्रोसीजर फॉर्मेलिटी, उसको हम एक प्रोसीजर फॉर्मेलिटी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये बेस्ड होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक लैटिन फ्रेज को भी मेंशन किया है, ऑडी अल्टम पार्टम, जिसका मीनिंग होता है लिसन टू द अदर साइड और लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल। मतलब कि जो अपोजिट साइड है उसको सुनना भी एक रूल है, एक प्रिंसिपल है, जो कि ये लैटिन फ्रेज बात करती है कि ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि नो पर्सन शुड बी जज विदाउट अ फेयर हियरिंग इन विच ईच पार्टी इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड द एविडेंस अगेंस्ट देम। मतलब कि प्रिंसिपल है कि हम किसी भी पर्सन को जज नहीं कर सकते हैं विदाउट अ फेयर हियरिंग, जब तक हम सामने वाली पार्टी को यानी कि अपोजिट पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो एविडेंस उसके अगेंस्ट यूज हुए हैं। तो ये प्रिंसिपल है कि अदर साइड को भी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जैसे ही इस मैगजीन का मीनिंग हमने समझा कि अक्यूज को एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को एक्सप्लेन करने का कि जो एविडेंस उसके खिलाफ मिले हैं उनके बारे में वो क्या कहना चाहता है। जो आपको ये सेक्शन है, ये सेक्शन एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कोर्ट्स के ऊपर कि जब अक्यूज को एग्जामिन करेंगे, जब उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो क्वेश्चन शुड बी फेयरली विद केयर एंड क्वेश्चन के साथ
क्वेश्चन अक्यूज से पूछे जाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट का इस सेक्शन के तहत, ये जजमेंट के अंदर कहना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप किसी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन इंक्वायरी है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।